आज का हमारा विषय ज्ञाता दृष्टा भाव। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये विषय मुक्ति का है। जो लोग साधना करना चाहते हैं और इस मनुष्य जीवन का सार निकालना चाहते हैं कि आखिर मैं मनुष्य क्यों बना हूं, उसके लिए ज्ञाता दृष्टा भाव विषय बहुत सुंदर है। इसलिए इसकी मैं सांगोपांग व्याख्या करना चाहूंगा ताकि व्यक्ति अगर इसको जीवन का जो एक उद्देश्य बना ले, जीवन का एक लक्ष्य बना दे, तो शीघ्र मुक्ति की ओर जा सकता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि चार बातें अति दुर्लभ है। पहली बात यह है कि मनुष्य जीवन का मिलना, दूसरी बात है कि ईश्वर की जो है वो ईश्वर का जो सिद्धांत है, ईश्वर की जो व्याख्या है, ईश्वर का जो उपदेश है, उसको सुनने का अवसर मिलना। तीसरा यह है कि उस अवसर के प्रति श्रद्धा होना, ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति, आत्मा के प्रति श्रद्धा होना। और चौथा है कि जो कुछ सार की बातें हैं वो हमारे जीवन के अंदर ढालना, जिसको कि कंडक्ट बोला जाता है, चरित्र बोला जाता है। तो इस तरीके से अगर किसी व्यक्ति को ये चारों बातें मिल जाती है तो उसका व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। अब उस धन्यता को हम कैसे प्राप्त करें? उस धन्यता को प्राप्त करने के लिए हमें इस सृष्टि को समझना पड़ेगा। हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें चिंतन करना पड़ेगा मैं कौन हूँ, दूसरा यह है कि सृष्टि को चलाने वाला कौन है, ये जगत नियंता कौन है, ये सृष्टि कैसे चलती है। जब वो दोनों बातों का हम सांगोपांग अध्ययन कर लेंगे, स्वाध्याय कर लेंगे, तो हमारे समझ में आ जाएगा कि हमें जीवन कैसे यापन करना चाहिए। सबसे पहली बात जब हम प्रश्न अपने आप से करते हैं तो कि मैं कौन हूँ, तो भीतर से जो हमें आवाज़ आती है, भीतर से हमें उस प्रश्न का समाधान मिलता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हमारे शरीर के अंदर दो तरह की चीजें काम कर रही है, जड़ और चेतन। पूरा पर्यावरण, पूरी सृष्टि दो पदार्थों से बनी होती है, एक जड़ होता है और एक चेतन होता है। चेतन किसे कहते हैं कि असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना आत्मा कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं। और दूसरा जड़ किसे कहते हैं, जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, उसको हम जड़ कहते हैं। जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता। दोनों सच्चाई ये बोथ आर द इटर्नल्स, बोथ आर द यूनिवर्सल ट्रुथ, बोथ आर द सार भौम सत्य, दोनों सनातन सत्य है। ये एक दूसरे से मिल सकते हैं, ये मिक्सचर बन सकते हैं, यौगिक बन सकते हैं, लेकिन एक दूसरे में रूपांतरण नहीं हो सकता है। ये सृष्टि का नियम है, क्योंकि दोनों के लक्षण अलग है, दोनों के गुण अलग है, इसलिए एक हो नहीं सकते। तो ये हमारा जो शरीर है, जड़ और चेतन दोनों का मिश्रण है। और ये जो शरीर बोल रहा है, मैं जो प्रवचन कर रहा हूं, तो इसके अंदर भीतर जो चेतन, चेतन की प्रेजेंस है, चेतन का सानिध्य है, चेतन की मौजूदगी है। जब ये शरीर भी जो है वो मिश्र चेतन बन गया, इंद्रियां मिश्र चेतन बन गई, आंखें देखने लग गई, कान सुनने लग गए, और ये चमड़ी स्पर्श करने लग गई, जीभ स्वाद लेने लग गई, तो इस तरह से पांच इंद्रियां जो है हमारी, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां है, वो काम करने लग जाती, मन काम करने लग जाता है, व्यक्ति सोचने लग जाता, बुद्धि काम करने लग जाती है, प्रज्ञा काम करने लग जाती है, चित्त हमारा वो विकसित होता है, और चित्त जो इधर उधर जाता है वो वर्किंग स्टेज में आ जाता है। किस लिए स्टेज में आता है? किसमें? चेतन की मौजूदगी है, चेतन की हाजिरी है, उसको हम शुद्ध आत्मा भगवान कहते हैं। वो भगवान हमारे भीतर विराजमान है, और ये जड़ रूपी जो शरीर है, ये शरीर जो एक मंदिर है, तो उस मंदिर के अंदर प्रभु विराजमान है, वो प्रभु हमारा चेतन, हमारी आत्मा, हमारी शुद्ध आत्मा है। इसीलिए इस शरीर को हमें गंदा नहीं करना चाहिए। हम मंदिर में जाते हैं तो अपने जूते बाहर उतार के जाते हैं, विचारों को शुद्ध करके जाते हैं, और किसी तरह के बुरे विचार लेकर के नहीं जाते, भगवान के पास बैठ करके मेडिटेशन करते हैं, और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जैसे आप हो मुझे वैसा बनाओ। तो ठीक वही भगवान हमारे भीतर है, जिसको कि हम चेतना कहते हैं। तो मैंने बताया ये जड़ और चेतन, और ये मन वचन काया रूपी जो इस सोन राज को शरीर मिला है, वो पिछले जन्मों के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, और उस भुगतान के अंदर जो हाजिरी है वह हमारी शुद्ध आत्मा भगवान की है, जो कि अरूपी है।
देखिए कितनी बड़ी विचित्र बात है और कितना एक साइंटिफिक वे है कि जो भीतर बैठा है वो अरूपी है, लेकिन अरूपी होते हुए भी सारा संचालन कर रहा है, वह मैं हूं। वो जो रूपी है जो दिखाई देता है वह जड़ है। तो ये बात हो गई कि मैं कौन हूं, मैं भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान हूं और मेरा लक्षण क्या है। आज का विषय है कि मेरा लक्षण क्या है। मेरा लक्षण है वो ज्ञाता दृष्टा। देखिए हमारी भारतीय संस्कृति में तीन शब्द आते हैं, ज्ञेय, ज्ञाता और दृष्टा। ज्ञेय का मतलब होता है कि देखने की वस्तुएं। हम इस संसार में जितनी चीजें देखते हैं सब वो देखने की वस्तुएं हैं, उनको हम ज्ञेय कहते हैं। और ज्ञाता का मतलब होता, दृष्टा का मतलब होता देखना। मैं आपको देख रहा हूं, ये मेरा दृष्टा भाव है। और उसके बाद के अंदर विशेष जानकारी करना कि उस व्यक्ति के बारे में ज्ञान करना कि वो किस तरह का व्यक्ति, ये दृष्टा भाव है। तो हमारी जो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है उसके दो ही लक्षण हैं, ज्ञाता दृष्टा भाव। वह जानने वाला है, वह देखने वाला है, उसका और कोई काम नहीं, वह अक्रिया है।